मैं अभी नेशनल स्टेडियम से आ रहा हूँ कामरान भाई और नजम सेठी साहब के साथ हमने खाना खाया, अभी वहाँ पे स्टेडियम में बैठ गए। तो पहला ओवर जब हो रहा था सेठी साहब ने कहा भाई कराची किंग्स का कोई चांस ही नहीं आज, आप मेरी प्रेडिक्शन लोगों तक पहुँचा दें। उन्होंने कहा कि आज का मैच पेशावर ज़ल्मी जीत रहा है और कराची किंग्स 170 से ज़्यादा रन नहीं बनाता आज, अगर बहुत बना लिए तो भी 170 बनाएगा। तो आपका भी ये ख्याल है, आप भी PCB के आसपास हैं आज के, मैं आपसे आप दोनों एक पेज पर हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, मेरे ख्याल से यूनुस भाई ने सही कहा, 10-15 रन कम किए हैं। अच्छा, लेकिन उसमें क्रेडिट देना चाहिए टॉम कैटमोर को, जिसने एक मोमेंटम बनाया। दूसरे ओवर में 2 आउट हो गए थे, प्रेशर में आए थे, बाबर पे भी प्रेशर रिलीज किया और एक अच्छा स्टार्ट जो फर्स्ट 6 ओवर में चाहिए वो मिला, उस मोमेंटम को कैरी ऑन किया। ये अच्छी चीज रही है पेशावर ज़ल्मी के लिए, लेकिन कराची के लिए अभी मैच खत्म नहीं हुआ। 7 ओवरों में 77 चेजेबल बन सकते हैं, सेंसिबल हो गए। मलिक और इमाद अच्छा खेल रहे। नजम सेठी साहब की राय गलत हो सकती है, देखिए कल हम सारे गलत हुए हैं तो अरे कल का तो मैंने बताया ऐसे थोड़ी, वो तो पूरा माहौल बना के कमाल है आपने ऐसे बताया। लेकिन उससे पहले हमारी आज का मेहमान का तारुफ, हमारे आज के मेहमान का तारुफ जो कि आपने जिनको बहुत सारे हवालों से काम करते देखा है और आपने हर हवाले से उनको बहुत पसंद किया है, चाहे वो अदाकारी हो, चाहे वो सदाकारी हो, चाहे वो पीछे हो, चाहे वो मॉर्निंग शोज हो या चाहे वो गेम शो। आजकल वो गेम शो पर बोल रही हैं हफ्ते में 2 मरतबा और आपने उसको जिस जिस रूप में देखा, बच्चे पता नहीं किस बात पर रोना शुरू हो गए, लेकिन मुझे यकीन है कि बच्चे बड़े बूढ़े सब उनको बहुत पसंद करते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप लोगों की भरपूर तालियों में सलम जंग साहिबा हमारी आज की मेहमान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सबसे पहले मुझे कहना पड़ेगा पिछला साल, ये साल और जितने भी साल गुजरे हो आप ये शो कर रहे हैं, हाँ। एक चीज नहीं बदली, वो जो आपकी एंट्री है ना भाग के आने की वो कंटिन्यूटी है। सेट बदल गया, सब बदल गया, ये नहीं बदला, वक्त बदल गया, अरे हुकूमत बदल गई, हालात बदल गए, बड़ा अल्लाह। यानी नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे ना तब से भाग रहा हूँ, तब से भाग रहा हूँ। आगे लंदन से भाग रहे हैं आप, घर से भागते हुए ये मैं लोगों से उधार लिया है, मैंने उनसे भाग रहा हूँ। और लेकिन अभी हम सोच रहे हैं कि इस फॉर्मेट को चेंज किया जाए। नो इट्स अमेजिंग, आई लव इट, एनर्जी बस ठीक है। सो ये PSL VSL कुछ कर रही है, बोलो आपकी फेवरेट टीम कौन सी PSL में? ये पेशावर ज़ल्मी। वजह? बाबर आजम। आज कामरान भाई की खुशियां देखें। अच्छा, पेशावर ज़ल्मी ने कहा, उन्होंने वजह भी बताइए बाबर आजम तो क्या हो गया? जो भी है पेशावर ज़ल्मी तो है ना। अच्छा हाँ जी, ये पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग कंसल्टेंट रहे ना अभी, तो ये भी रहा हूँ 7 साल। हाँ तो प्लेयर तो रहे ही है, तो वो तो जाहिर है, वो तो रहे तो पेशावर ज़ल्मी को की नुमाइंदगी करते हुए पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड्स बनाए उन्होंने। कराची किंग्स को बड़ी मार मारी है आपने। नहीं सो बस यहाँ तक ठीक है। अच्छा इतना ही रखे। सो बाबर आजम की वजह से जीतेगा आज, तो जीतेगा 100% पेशावर ज़ल्मी। यार तो हम यहाँ पे, आपको नहीं पता हम कराची किंग्स को यहाँ पे यार। ओह आई एम सो सॉरी। लेकिन आपको अपनी राय देने की पूरी आजादी है। मैं क्या करूँ? क्लैप करवा दे। अभी आप कराची का नाम लेंगे तो सारे क्लैप कर देंगे।